राजधानी में जमात इस्लामी हिंद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जमात हिंद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो कि मानव समाज के लिए चिंता का विषय है। वहीं संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल थानागाजी की घटना के पीड़िता परिवार से मिलकर भी आया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आठ तारीख को जमात इस्लामी हिंद APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर के आया है। हम सभी जगहों पर गए हैं, जो जहां बच्ची का घर है, जहां लड़के का घर है, पति पत्नी के जहां घर हैं वहां हम गए हैं। थाने में भी हम गए हैं, पुलिस अधिकारियों से हमने बात की है और सारी घटना की जो हमने लोगों से बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है वो हमारी नज़र में ये बात है कि ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। जिस तरह से उन लोगों ने, अपराधियों ने, मुजरिमों ने ये काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी नज़र में वो लोग इंसान नहीं हैं, वो जानवर हैं और उनको समाज में रहने का कोई हक